और मैं आज आपको एक नई रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसका नाम है छोला भटूरा। तो छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने छोले को बॉईल करने के लिए रख लिया है, और छोले में मैंने हल्दी और नमक डाल के उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और भटूरे बनाने के लिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, पहले मैं भटूरा बनाऊंगी, देन आई विल स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर छोला। बिकॉज ऐसा क्या होता है, भटूरे को रेस्ट करने के लिए 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, तो हम पहले भटूरे का आटा गूंथ लेंगे, देन वी विल स्टार्ट छोला। रखी है दही, सूजी मैंने 3 चम्मच भर के लिया है सूजी, और इस सूजी में मैंने पानी डाल दिया है। पानी का लेवल बराबर सूजी के रखा है ताकि कि इसमें पानी ज्यादा ना रह जाए। तो सूजी मैंने 15-20 मिनट डिप करके रखा है, सोक करके रखा है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, ब्रेड क्रम्स भी मैंने 2 चम्मच भर के लिया है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है बिल्कुल लेवल पे, ज्यादा नहीं डालना है। और ये सारे तीनों चीज हमें आटा गूंथने में चाहिए। तो मैंने ये मैदा ले लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है, तो उसमें मैं ये सूजी डालूंगी। सूजी का पानी बिल्कुल मैं निचोड़ दूंगी, सिर्फ सूजी चाहिए हमें, पानी हमें अलग कर देना है। बट मैंने काफी कम पानी डाला है तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, पानी ज्यादा नहीं निकला है, तो हमें ये बात का ध्यान देना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और ये मेरी ब्रेड क्रम्स है जिसमें मैंने पानी डाल के रखा था, और ये भी अच्छे से सोक हो गई है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और ये दही है, दही मैं पहले थोड़ा आधा डालूंगी, जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं उसके हिसाब से दही डालूंगी। तो मैंने इतनी छोड़ दी है, 1 टेबल स्पून छोड़ दिया दही, और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून दही डाल दी है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें नमक डालना है, अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिए। और मैंने शुगर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हमें शुगर डालना है। और अब हमें गूंथना स्टार्ट करना है, फिर हमें देखना है हमें कितने पानी की जरूरत है, क्या है, उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो मैंने देखा ये, मैंने इसको मिला लिया अच्छे से, तो ये दही जो बची हुई थी ना, ये थोड़ी सी बची हुई थी, मैं वो भी डाल देती हूँ दही। ये मैंने आटा गूंथ लिया है, मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, ऑयल लेके मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लूंगी, इसे चिकना कर लेना है ऑयल लगा के, और फिर इसे 2 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देना है। ये रेडी है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रही हूँ, छोले कैसे बनाते हैं। छोला बनाने के लिए मैंने छोले को पहले से बॉईल करके रखा है, तो इसीलिए मैं प्रेशर कुकर नहीं ले रही हूँ, ये खुला हुआ कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सरसों का तेल डालूंगी, जो छोले बनते हैं सरसों के तेल में ही इसका कमाल का फ्लेवर आता है, तो मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। मैंने 5-6 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, क्योंकि मैंने छोले जो है 300 ग्राम्स लिखा है, तो 300 ग्राम्स मेरे छोले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ऑयल डाला है, आप अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे जितना रिक्वायरमेंट है मैंने डाल दिया है। तो ये अब थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो जो भी खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, राई, हींग, दालचीनी, ये मुझे डाल देना है। जो स्पाइसेस अब मेरे थोड़े से चटकने लगे हैं, तो इस स्टेज में मैं ओनियन को ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने ये 3 प्याज लिया है, मीडियम साइज ओनियन है 3, तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, से पीस लिया है। तो ये जो है सारा का सारा मुझे इसमें डाल देना है।
मीडियम अच्छे से भून लेना है। जैसे ही हल्का सा भून जाए तो हमने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है। दो हरी मिर्च डाली है, 6 से 7 कलियां गार्लिक की डाली है और अदरक डाला, अदरक का टुकड़ा डाला है। तो ये जैसे हल्का सा ओनियन थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं इसमें ये सारी जो पेस्ट है ये डाल दूंगी। ओनियन थोड़ा सा रोस्ट हो गया है तो फिर स्टेज में मैं ये पेस्ट डाल दूंगी और फिर इसे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही मेरा ओनियन हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है और मैंने नमक डाला है और इसे टोमेटो का जो प्योरे है वो मैंने डाल दिया है। टमाटर को मैंने ग्राइंड करके, मैंने कितने टमाटर लिए, मैंने 4 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज 4 टमाटर लिए हैं। अब मुझे अच्छे से इसे भून लेना है। जैसे ही भून जाए तो हमें इसमें गर्म मसाला और छोला मसाला डालना है। अब हमें 5 से 6 मिनट तक टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। मैंने टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है और साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज होने लगा है। 1 टेबलस्पून भर के मैं छोले मसाले डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून भर के मैं और 1 टीस्पून हमें गरम मसाला डालना है। और साथ में मैं हल्की सी मेथी, ड्राई मेथी डाल रही हूँ। और इसे मिला लेना है। मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है तो फिर अब ये जो छोले हैं, मैंने ये बॉईल करके रखा है छोले, अब मैं इसमें छोले डालूंगी। मैंने पानी को रहने दिया है, मैं पानी इसका बाद में यूज करूंगी। तो पहले मैं छोले डाल ली हूँ, मैंने छोले निकाल लिए और पानी को अलग कर लिया है। मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, अच्छे से मिला लेना है छोले को। मैं इसमें 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे थोड़ी सी छोले में खटास आएगी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। जब तक मेरे छोले भून रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तब तक मैं ये धनिया पत्ते, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, इसे अच्छा खासा लेके मैं इसे पानी में भिगा के धो लूंगी। मैं इसमें सूखी धनिया भी डालूंगी। बॉइल करने में चाय पत्ती भी डालते हैं, उसमें किसी पोटली में बांध के चाय पत्ती भी डालते हैं कलर लाने के लिए, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मेरा कलर ऐसे ही काफ़ी अच्छा आ जाता है तो मैं वो चाय पत्ती की पोटली नहीं यूज़ करती। तो अब मेरा छोला अच्छे से भून गया है, मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं धनिया डालूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा ये बन चुका है, बस मुझे ग्रेवी के हिसाब से पानी डालना है। मैं थोड़ी सी धनिया गार्निश करने के लिए भी मैंने बचा के रखी है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इसके आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, किसी को गाढ़ी, किसी को पतली चाहिए होती है, तो आप उस हिसाब से अपनी
ग्रेवी बना सकते हैं। मैं पानी डालने के बाद 20 से 10 मिनट तक ढक्कन लगा के पकने दूंगी, ताकि इसके जो भी फ्लेवर्स हैं, जो भी मसाले डाले हैं, वो अच्छे से उभर के आ जाए बाहर। ढक्कन लगा के मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, बट अगर आप इसे 5-10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे तो इसका फ्लेवर और निखर के आएगा। तब तक चलते हैं भटूरे बनाने। अब मैं भटूरा, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं भटूरा फ्राई करूंगी। आपको जितना ब्राउन कलर चाहिए आप उतना ब्राउन कलर कर सकते हैं, तो मैं हल्का सा लाइट ब्राउन कलर कर रही हूँ। एक मैंने डार्क ब्राउन भी किया है, अगर आपको ये कलर पसंद हो तो आप ये भी कलर इतना फ्राई कर सकते हैं इतने डार्क तक। मैंने लाइट ब्राउन ही रखा है कलर को। गर्मा गर्म छोला भटूरा रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस प्रोसेस से काफ़ी टेस्टी, सॉफ्ट, क्रिस्पी भटूरे बने हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।